वेलकम फ्रेंड, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ में आप ही के चैनल क्रिप्टो स्पाइस में एक न्यू वीडियो के साथ। न्यू एयर ड्रॉप और एक बिटकॉइन क्लाउड माइनिंग साइट दोनों शेयर करेंगे, तो आखिर तक देखना है वीडियो। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे वीडियो, ज़्यादा लंबा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो एयर ड्रॉप्स पहले शेयर कर लेते हैं, उसके बाद माइनिंग साइट शेयर करेंगे। तो hyroy.org टोकन एयर ड्रॉप है, स्टार्ट पे क्लिक करें, फिर यहाँ पे पूरी डिटेल पढ़ लें। देखिए HYROI टोकन का प्राइस 0.408 मतलब 00008 USD। आप ज्वाइनिंग करेंगे तो 62,500 HYROI $5 के टोकन मिलेंगे और रेफरल के इसके आधा मतलब $2.5 के आपको टोकन मिलेंगे। तो यहाँ पे ज्वाइन एयर ड्रॉप पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे मैंडेटरी टास्क और ऑप्शनल टास्क यहाँ पे डिवाइडेड किया हुआ है। पूरा टास्क कंप्लीट करें आप, ठीक है फ्रेंड। टेलीग्राम ज्वाइन और एयर ड्रॉप पार्टनर चैनल और ट्विटर पे फॉलो करना है, ठीक है फ्रेंड। तो ये काम सिंपल है। तो फ्रेंड टास्क बहुत ही इजी है, एक ट्विटर पे फॉलो करना और एक पोस्ट करना है। यहाँ पे पोस्ट का लिंक है, क्लिक करके फिर अपना ट्विटर का प्रोफाइल लिंक देना है, टेलीग्राम और ERC वैलेट एड्रेस देना है इथेरियम का। बस इतना सा टास्क है, ठीक है फ्रेंड। तो चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास माइनिंग साइट है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ। तो GIP3BTC साइट का नाम है, माइनिंग साइट है, BTC माइनिंग कंपनी। यहाँ पे अपना वैलेट एड्रेस देना है बिटकॉइन का और यहाँ पे 4 डिजिट का पिन कोड रख लीजिए, फिर स्टार्ट माइनिंग पे क्लिक करना है। फ्री में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे टास्क यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब प्लान ये प्लान आप बाई करके अपना अर्निंग को इंक्रीज करना चाहते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करना आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है फ्रेंड। ये पूरी डिटेल यहाँ पे दे रखा है, ये पे क्यू में क्वेश्चन में जाके आप पूरी डिटेल इसका देख सकते हैं। मैं इसका पेमेंट प्रूफ थोड़ा दिखा देता हूँ। मिनिमम विथड्रॉल 0009 BTC है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे पे आउट्स के जाके देखते हैं तो अभी तक बिल्कुल न्यू साइट है, कोई पे आउट यहाँ पे हुई नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो आपको सिर्फ यहाँ पे ज्वाइन करना है और आगे इसका अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।